पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने बठिंडा जेल से मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू, फिरोजपुर जेल से शरद और देहरादून की जेल से गैंगस्टर मनप्रीत उर्फ सुखपाल को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ये तीनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू और शरद गैंग के प्रमुख शार्प शूटरों में भी शामिल हैं। इन तीनों की लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। पुलिस के मुताबिक इनके खिलाफ सरेआम मर्डर, लूट और पैसा उगाही के कई मामले दर्ज हैं। आज तक से जुड़े तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश जिन लोगों ने रची थी उनमें ये तीन भी शामिल थे। तीनों ही वर्चुअल नंबरों के जरिए कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड के लगातार संपर्क में बने हुए थे। बताते हैं कि शुरुआती जांच में पुलिस को यह भी पता चला है कि मन्नू, शरद और सुखपाल ने ही जेल में बैठे बैठे अपने गुर्गों के जरिए सिद्धू मूसेवाला के हमलावरों को बुलेरो और कोरोला गाड़ी मुहैया करवाई थी। आज तक के मुताबिक पंजाब पुलिस को जो सबूत हाथ लगे हैं उनके तहत ये तीनों सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। फिलहाल ये पंजाब पुलिस की हिरासत में है और इनसे अगले 5 दिन तक पूछताछ की जाएगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या रविवार यानी 29 मई 2022 को हुई थी। यह हत्या पंजाब के मानसा जिले में हुई थी। मूसेवाला अपनी थार कार पर सवार थे, तभी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि 24 गोलियां मूसेवाला के शरीर के आर पार निकल गई थी, जबकि एक बुलेट मूसेवाला के सर की हड्डी में फंसी हुई मिली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड गैंग ने ली है। गोल्डी ने कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट लिखकर हत्या की जिम्मेदारी ली है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित एक न्यायिक आयोग कर रहा है। ये आयोग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मौजूदा जज की देखरेख में मामले की जांच कर रहा है। शुक्रिया।